अब हम एच फाइंड कर लेते हैं एक टोरॉइड की वजह से। टोरॉइड जो है एक टिपिकल शेप होता है जिसमें कॉइल को हम राउंड शेप की या रिंग शेप की कोर पर वाउंड करते हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस पर्टिकुलर वायर से या कॉइल से आई करंट फ्लो हो रहा है और टोटल नंबर ऑफ इस टोरॉइड के जो टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब घुमाव, वो कितने हैं, एन। अब जब एक थोड़ा सा टिपिकल मैं आपको समझाती हूँ, जब ये करंट एंटर कर रहा है तो ऐसे इन वायर्स में फ्लो हो रहा है। इन वायर्स में जब करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो टर्न टर्न मतलब ये जो वाइंडिंग लपेटने का जो सेंस है, ये वाला मतलब एक ऐसा रिंग शेप का कोर हो गया और वाइंडिंग ऐसे लपेटी हुई है। मैं कौन से पोर्शन की बात करूं, सपोज इस पेन को मैं पूरा ऐसे राउंड शेप में ले आती हूँ, तो जो नीचे वाला हिस्सा है मतलब वायर तो ऐसे ऐसे लपेटे हुए, पर मैं इस वाले पोर्शन पे वायर की बात कर रही हूँ, मतलब मैं किसकी बात कर रही हूँ, इनकी बात कर रही हूँ। करंट क्या हो रहा है यहाँ, फ्रंट से बैक में जा रहा है, इसके थ्रू फ्रंट से बैक में जा रहा है। तो अब जब मुझे इस टोरॉइड की वजह से अगर एच की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं एच की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैं एक एच डॉट डीएल क्लोज पाथ लूंगी, जो कि किसके इक्वल होगा, आई एनक्लोज के। मतलब मुझे इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से एच निकालना है एच की वैल्यू, तो मैं एच डॉट डीएल क्लोज पाथ पे परफॉर्म कर रही हूँ, जो कि आई एनक्लोज के बराबर होता है, ये मुझे मालूम है। अब मैं एच निकालना चाहूंगी तो कहाँ पर, मतलब ये सब करके मैं एच कहाँ निकालना चाह रही हूँ, मैं एच निकालना चाह रही हूँ आर पर ही, इसी पॉइंट पर मैं एच निकालना चाह रही हूँ, इसलिए एच डॉट डीएल मैं इसी पर परफॉर्म करूंगी, इस डैश्ड इनर रिंग पर। और जब मुझे इस पर एच निकालना है तो मैं फॉर्मूला ये यूज कर रही हूँ, जैसा अभी बताया, एच डॉट डीएल क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल टू आई एनक्लोज। अब आई एनक्लोज कौन सा, आई एनक्लोज जो है वो ये पाथ पर जब एच डॉट डीएल कंप्लीट कर रहे हैं या कवर कर रहे हैं, तो करंट एनक्लोज यहाँ पे जो बह रहा है वो वाला है, वो करंट तो आई ही बह रहा है, तो कितने आई हो रहे हैं यहाँ पर, एन इंटू आई, क्योंकि हाउ मेनी टर्न्स आर देयर, देयर आर टोटल एन नंबर ऑफ टर्न्स, तो कितने आई को एनक्लोज किए हुए है इस रिंग शेप पाथ ने, एन इंटू आई को। मैं फिर से आपको बता दूं कि ये पूरी रिंग है मेरी, पेन को मैं टर्न करके पूरा रिंग में बदल रही हूँ, और मेरे पास जो वायर्स है और ये जो रिंग है ठीक, और आर डैश इसके बाहर है, आर रेडियस के पाथ पर मैं एच डॉट डीएल परफॉर्म कर रही हूँ, तो ये रिंग जो मेरी बनी हुई है उसमें वायर्स मेरे ये ऐसे वायर्स मेरे है पूरे, कितने वायर्स है जिसमें से आई करंट बह रहा है, एन। तो टोटल आर रेडियस वाला जो डैश डैश वाला पाथ है उसने कितने नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज करके रखे, एन नंबर ऑफ टर्न्स एनक्लोज कर रहे हैं, मतलब तो कितने आई एनक्लोज कर रहा है, एन इंटू आई एनक्लोज कर रहा है। तो मैं सीधे से क्लोज लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एच डॉट डीएल इज इक्वल टू एन आई लिख रही हूँ, और एच को मैं एच इज एच डीएल, क्योंकि एच मुझे फाइंड करना है तो मैं इसे वेरिएबल जैसा ले रही हूँ, डीएल मेरा कितना हो जाएगा, ये सरकमफेरेंस हो जाएगा जो कि 2 पाई आर होगा, इक्वल टू एन इंटू आई होगा। अब एच की वैल्यू कितना आ जाएगी, एन आई अपॉन 2 पाई आर हो जाएगी। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी मैं एच की वैल्यू पता कर सकती हूँ, पर हाँ इसकी रेडियस मुझे, अगर ये वाली रेडियस आर डैश है, आर से छोटी है, नॉट द ग्रेटर, स्मॉल है, तो मुझे आर डैश पता नहीं होगा, तो मैं सिंपल इस अंदर वाले रिंग की लेंथ को मैं स्मॉल एल एल भी ले सकती हूँ, यहाँ पे भी मैं एच फाइंड कर सकती हूँ, तो मैं इसकी लेंथ को भी कितना ले सकती हूँ, स्मॉल एल ले सकती हूँ। तो इस तरीके से एन आई अपॉन 2 पाई आर बोलो या एन आई अपॉन स्मॉल एल बोलो, लेंथ को मैं 2 पाई आर से मेंशन करूँ, स्मॉल एल से मेंशन करूँ, कुछ भी है, पर एच की वैल्यू मैं फाइंड कर सकती हूँ इस तरीके से। अब अगर मुझसे कहा जाए कि टोरॉइडल के बाहर आप एच निकाल के बताइए, क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा 0। क्यों? क्योंकि यहाँ पे करंट जो है अंदर की तरफ बह रहा है ऐसे, तो यहाँ पर करंट ऐसे बह रहा है, तो जितने नंबर ऑफ एन आई इनकी वजह से एन सर्कल हो रहे, उतने नंबर ऑफ माइनस एन आई इनकी वजह से एन सर्कल हो रहे, तो टोटल इस रेडियस पर जिसे मैं आर डबल डैश बोल दूं, एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0।
और ये एप्लीकेशन है एम्पियर सर्किट लॉ को यूज करके एच फाइंड आउट करने का, जिसमें मैंने केबल का बताया है, टोरॉइडल का बताया है, अभी मैं एक और स्ट्रेट सोलिनॉइड का भी बता देती हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एच डॉट डीएल को कैसे अप्लाई किया जाता है।